Say what you mean and mean what you say. This is American communication, low context communication. Say what's in your mind, what's your intention is, yani what do you actually want to do it, and then mean what you say. इसको कहते हैं अमेरिकन कम्युनिकेशन लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन. क्या मतलब? जिसमें कंटेक्स्ट कम मैटर करता है, अल्फाज ज्यादा मैटर करते हैं. यानी जो रियल है वो अल्फाज है, कि जो अल्फाज कहे जा रहे हैं बस उसको समझो. जबकि पुल के उस पार, यानी जब पुल के उस पार, व्हेन आई एम सेइंग इट्स पाकिस्तान एंड इंडिया, वहां पर कम्युनिकेशन होती है हाई कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन, और दूसरे मालिक में भी होती है हाई कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन. हाई कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि वर्ड्स की वो अहमियत नहीं है, बस जो बात कर रहे हैं वो कंटेक्स्ट को समझें, एक दूसरे को बस समझें और खुद से बस अपने फिर मीनिंग निकालें. यानी अल्फाजों की वो वैल्यू नहीं है. अब मिसाल ले लें, बहुत सारे एग्जांपल हैं. यूनिवर्सिटी में लड़का और लड़की, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सिर्फ फ्रेंड कोई भी. अब लड़के ने कह दिया या वाइस वर्सा लड़की ने कह दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या प्यार करती हूँ, वॉट एवर. उसने बात को इधर कर दिया, वो थोड़ा मुस्कुरा दी, आओ जरा पढ़ते हैं, ये वो, फिर वही वाली बातें, हंसी तो फंसी, हैं ये सारी बातें, फिर वही एक अरसे तक ये चलते रहे, एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे की बातों के कुछ कुछ मतलब निकालते रहे, बाद में देयर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट एंड ऑल दैट. ओ बोले मैंने बोला कब था. यानी हमारे यहाँ क्लियर बोला नहीं जाता, बस एक दूसरे को समझते रहे, वही हंसी तो फंसी वाली बात. सेम केस विद सास एंड बहू एंड ऑल रिलेशनशिप रिलेटिव्स, इसमें भी ये होता यार उसको ये तो समझना चाहिए था, अरे बोल देते ना, हाँ बोल देते. बोलने बोलने का कुछ नहीं है, बस वो समझ लेते, मैं समझ लेता, ये यही हाल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पेजेस पे, इधर उधर, इवन प्रोफेशनल्स भी, जॉब पे ईमेल वगैरह भी आप देखें जो बड़ी बड़ी लिखी जाती है, उसमें इट इज टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज, इतनी सारी बात, यानी बहुत सब कुछ इतनी देर तक उठाया, आप समझ गए ना, उठाया जाता है पहले, फिर उसमें बात की जाती है, यानी रियल वर्ड्स पे बात नहीं होती. जबकि यहां पर अमेरिकन कम्युनिकेशन में रियल बात होती है कि भाई ये बात है, दैट्स इट. मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल किस्सा सुनाता हूँ, उसमें दो बातें बताता हूँ. एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक मुझे याद है, एक तो पहले इसको समझा जरा. यहाँ पर जब भी ऐसा होगा ना, जैसे अगर मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा कि यार लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट, या हम रात को कोई गेम खेलते हैं, या कोई लेट्स से स्नूकर या व्हाटएवर, सही ना, तो आगे लोग लिख देते हैं BYOB, ब्रिंग योर ओन बॉटल्स, सब अपनी अपनी बोतल लेके आ जाएंगे. क्लियर कट कम्युनिकेशन. अगर आपने बोल दिया कि नहीं बॉटल्स मेरी तरफ से, अब वो कुछ भी हो, सही है ना, लेकिन अमूमन लोग देते हैं BYOB. इसी तरह अगर बारबेक्यू, अगर मैं यहाँ किसी को बोलूंगा ना, जब भी मैं यहाँ बारबेक्यू का बुलाता हूँ ना, लेट्स हैव बारबेक्यू, तो सबका मैसेज आता है उसके बाद फॉरन, शुड वी ब्रिंग आवर ओन मीट. यानी जो भी बारबेक्यू में आ रहा है वो अपना पहले पूछ लेता है कि क्या मैं अपना गोश्त साथ लेके आऊं. अब मैं आपको इस पे किस्सा सुनाता हूं. तो एक दफा एक चैट बॉक्स बनाया था, आप इसको व्हाट्सएप चैट समझ लें, सही है ना, कुछ दोस्तों ने, वो डिफरेंट कल्चर के थे सब, तो खैर जैसे तैसे फिर बारबेक्यू वगैरह हुआ सब कुछ. तो मुझे एक ने बोला बाद में, जो पुल के उस पार का था, उसने मुझे बोला यार ये क्या यार, ये वाले जो ये बंदा जो आया यार, ये तो बगैर कुछ ले आ गया. मैंने कहा जरा तू चैट बॉक्स देख जो एक हफ्ते से चल रही थी, उसमें उसने लिखा था शुड आई ब्रिंग माई ओन मीट, नीचे लोग क्या लिख रहे हैं, नो नीड एस सच नो. जब आपने नो बोल दिया, नो का मतलब इसके लिए नो है, नो का मतलब के भाई मना कर दिया ना आपने. जब मैं बारबेक्यू पे किसी को बुलाने, इफ समबडी इज आस्किंग शुड आई ब्रिंग माय ओन मीट, मैं बोलूंगा यस, वो अपना गोश्त लेके आ जाएगा. जब मैं नो बोलूंगा तो वो नहीं है, वो नहीं लेके आएगा भाई. और उसके बाद मैं बोलूं यार इसको समझना चाहिए था, ओ भाई समझना कुछ नहीं चाहिए था, जो कह दिया दैट्स इट. अब सुने, इधर होता यह है कि जब लोग आते हैं ना फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, व्हेन दे कम टू अमेरिका फॉर जॉब पर्पज या फॉर मैरिज पर्पज, लड़की आए या लड़का आए, इनिशियली उनको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वही ससुराल में इधर उधर चारों तरफ के यार ये समझना चाहिए था, नहीं वो जो कह रहे हैं बस ये उनके दिमाग में है, ये उनकी इंटेंशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ सुथरी सच्ची बात कर रहे हैं. या आप इनकी पॉलिटिक्स में भी देखें, प्रेसिडेंट के ट्वीट्स भी देखें, सब कुछ आप देखें, आपको नजर आएगी कि कम्युनिकेशन में कंटेक्स्ट कम है, वर्ड्स की अहमियत ज्यादा है, कि जो कहा है बस से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से वाली बात. मुझे याद है मैंने एक ईमेल लिखी, मुझे भी अभी इधर 5 साल हो गए, मैंने एक दफा एक ईमेल लिखी बहरिया टाउन को, आई रिमेंबर, वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह की कोई बात थी, सही ना. तो उसमें सीसी में देयर वर 2-3 वो माय फ्रेंड्स आल्सो, तो वन ऑफ माय फ्रेंड ही मैसेज मी देन कि डिड यू राइट एन ईमेल और दैट वाज जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज. एंड उसने मुझे कहा कि यार तूने ईमेल लिखी, ईमेल ऐसे लिखते. मैंने कहा उसमें क्या बुराई मैंने लिखी है, मैंने उसमें सिंपल लिखा है गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग एंड व्हाट्स अपडेट, क्योंकि बैक एंड फोर्थ हमारी ईमेल चल रही थी, तो मैंने कहा मैंने सिंपल ये बात पूछी कि व्हाट्स अपडेट, दैट्स इट. तो उसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होती, ईमेल में पहले बहुत सारी बातें, फिर आखिर में बहुत सारी बातें हैं, और ये वो, और फिर आपको सैंडविच अप्रो व्हाट. यानी अब आप बात को समझ रहे हैं. अच्छा देखिए इसमें लेसन भी है उन लोगों के लिए, दोज हु आर फ्रीलांसर, दोज हु आर वर्चुअल एम्प्लॉयज, और दोज हु आर होल्डिंग देयर बैक ऑफिसेज, ये सब जो नॉर्थ अमेरिका को सर्विस दे रहे हैं. याद रखें व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, या आप अगर वैसे भी एक रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, और आप काम कर रहे हैं जो सर्विस दे रहे हैं इनको, तो आप ये ख्याल रखें कि इनकी जो भी बातें होंगी
वो असर्टिव और स्ट्रेट, यानी वही मैंने कहा कि वो वर्ड्स पर मबनी होंगी. तो आपको, क्योंकि बहुत लोग उसको ये समझते हैं दिस इज, दिस साउंड्स वेरी अग्रेसिव, जबकि ऐसा नहीं. इसी तरह जब आप भी उनसे बात करें तो वही बात, जो लिख रहे यू मीन इट, यानी वो यही समझेगा कि यार ये जो बात लिख रहा है इसका मतलब वो ये सारे काम करेगा भी और वो ये काम करना जानता भी है. तो ये एक लेसन है वर्चुअल एम्प्लॉयज और फ्रीलांसर के लिए भी. अब मैं जरा वैसे भी एक थोड़ी बात कर लूं आप लोगों के साथ, जस्ट वन मिनट. अब देखें, मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, टीचिंग में और इधर इंडस्ट्रीज में भी क्या है, देखिए जरा गौर से सुने. हमारे यहाँ वैसे भी बातें बहुत इधर उधर की फालतू की भी जाती है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा, ये कल्चरल मामला भी है, ठीक है ना. हम किसी को अच्छा बुरा सुना नहीं. मैं बकायदा देखें कॉलेजेस में आप देखें टीचर्स को, देखिए मैं अपनी इंडस्ट्री का आपको बताऊं, अगर अकाउंटिंग की क्लास हो रही है, ऑडिट की क्लास हो रही, कुछ भी, आधी क्लास में मजहब डिस्कस हो रहा है और अपने फिरके डिस्कस हो रहे हैं, ये चीजें. क्या यार अकाउंटिंग की क्लास है, ऑडिट की क्लास है, वो पढ़ा दो. कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा, कोई अपनी गुर्बत के किस्से डिस्कस करेगा हर क्लास में, कोई अपने फेलियर के किस्से इधर उधर की. यानी पता चला जिस मकसद के लिए, यानी यू एक्चुअली गॉट द कंसिडरेशन, यू गॉट द फी, टीच अकाउंटिंग ऑडिटिंग मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ाने थे, लेकिन नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर यही चलता रहा. तो इसके थोड़ी देर, ये बाद में होना चाहिए था, ये क्लास के बाद हो जाता, ये फेसबुक पे आप जाके लिख देते तो बहुत अच्छा था, क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ाओ, दैट्स इट. इसी तरह यानी इधर उधर की आप देखेंगे बातें ज्यादा होंगी. बिल्कुल ऐसे ही काउंसलिंग में आप देखें, जब बच्चा काउंसलिंग के लिए जाता है तो उसको भी ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जो काउंसलर जो वर्ड्स कह रहा है वो कहेगा ना सीए कर लोगे इतने लाख रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी, ये फलानी क्वालिफिकेशन करोगे यू विल गेट दिस, बस वो समझ जाए कि ये वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये यू आर सिटिंग इन अ काउंसलिंग ऑफिस, या इसका मतलब ये कि बस एडमिशन ले लो. अब ये नहीं कि बाद में बोलना, आपने तो कहा था ना 1 मिलियन की जॉब मिलेगी और 500,000 विल गेट, जो बाद में इतनी अपॉर्चुनिटीज और ये, ना 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 ना, अल्फाजों को ना पकड़ना, हमारे यहाँ अल्फाज को नहीं पकड़ा जाता, हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन इतनी बात करते हैं ये वो इधर उधर. तो अब समझ गए दोनों में, एक में कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, अल्फाजों की अहमियत सेकेंडरी है, और यहां पर अल्फाजों की अहमियत प्राइमरी है. Context, that's why it's called low context communication. You have a great Friday now. Thank you.